हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं BYD कंपनी के बारे में। BYD की जो है एक इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट की जो कार है वो ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट करती है, काफ़ी यूनिट बिके हैं, लेकिन वो केवल कमर्शियल यूज़ के लिए यूज होती है। पर्सनल यूज़ के लिए BYD ने लॉन्च की है अपनी नई BYD एटो 3। आज हम इसके सारी स्पेसिफिकेशन की बात करने वाले हैं, ये अपने प्राइस सेगमेंट में वर्थ है या नहीं, और इसके जो कॉम्पिटिटर है उनमें ये बेस्ट होती है नहीं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बैटरी एंड रेंज की। बैटरी एंड रेंज की बात करें तो 49.92 किलोवाट आवर की इसके अंदर बैटरी पैक मिलती है, जिसके अंदर आपको 410 किलोमीटर की रेंज मिलती है, और एक जो बैटरी पैक आता है आपका 60 किलोवाट आवर का, जिसमें आपको 500 किलोमीटर की रेंज मिलती है। बात करते हैं पावर और टॉर्क की इसके अंदर, तो इसके अंदर टॉर्क काफ़ी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर एक पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है जो कि 0 से 100 जाने में केवल 7.3 सेकेंड लेती है। बात करें इसके डायमेंशंस की, तो डायमेंशन इसका व्हील बेस 2720 mm है, चौड़ाई आपको 1875 mm देखने को मिलती है, और जो इसकी लेंथ है वो आपको 4455 mm देखने को मिलती है। तो इन सभी को अगर आप डायमेंशंस को देखें तो ये अपने सेगमेंट में आने वाली सभी इलेक्ट्रिक कार से काफ़ी बड़ी है, इससे ये पता चलता है कि इसमें स्पेस भी काफ़ी होगा। एक्सटीरियर की अगर हम बात करें इसके अंदर, तो एक्सटीरियर के अंदर आपको ऑल LED है लैंप देखने को मिलेंगे, LED इंडिकेटर्स, अलॉय व्हील्स, डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे, और ऑटो फोल्ड ORVM देखने को मिलेगा। साथ ही जो बैक लाइट है वो भी आपको LED में देखने को मिलेगी, और अलॉय आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। तो काफ़ी आपको जो है प्रीमियम इसके अंदर आउटडोर लुक देखने को मिलता है। साथ ही अगर इसके डिज़ाइन की भी हम इसके अंदर बात करें तो काफ़ी आपको एक स्पोर्टी डिज़ाइन में देखने को मिलती है। बात करें अगर इसके अंदर इंटीरियर की, तो इंटीरियर के अंदर आपको काफ़ी स्पेशियस इंटीरियर देखने को मिलता है, और एक अलग जो है थीम के आपको इंटीरियर देखने को मिलता है, और इसके अंदर आपको 12.8 इंच की जो स्क्रीन देखने को मिलती है, जिसको आप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से कर सकते हैं। 360 डिग्री कैमरा मिलता है आपको, वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलता है, 3 आपको मोड देखने को मिलता है, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स, और आपको जो गियर लीवर है वो काफ़ी अच्छा लुक में देखने को मिलता है, सनरूफ देखने को इसके अंदर आपको मिलती है। सेफ्टी की अगर हम इसके अंदर बात करें, तो BYD बेसिकली एक चाइनीज़ कंपनी है, लेकिन चाइनीज़ कंपनी होने के बावजूद भी इसकी जो सेफ्टी रेटिंग है वो काफ़ी आपको बढ़िया देखने को मिलती है। इसके अंदर आपको ऑटो होल्ड देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक देखने को मिलता है, साथ ही इसके अंदर काफ़ी सेफ्टी के फीचर्स है, एयरबैग्स आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं, ABS देखने को मिलता है, और ADAS देखने को मिलता है, TPMS देखने को मिलता है, हिल होल्ड देखने को मिलता है, हिल डिसेंट कंट्रोल देखने को मिलता है, जो काफ़ी आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। बात करें इसकी प्राइस की, तो प्राइस आपको ये ज़्यादा तो नहीं पे करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी एक प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी होने के कारण इसकी जो एस्टिमेटेड प्राइस है वो 40 लाख आपको देखने को मिलेगी, जिससे कि आपको इसके अंदर 200 हॉर्स पावर, 210 हॉर्स पावर आपको इसके अंदर पावर मिलती है, जो कि 0 से 100 जाने में आपका 7.3 सेकंड लेगी। काफ़ी पावरफुल SUV एक है ये, बेसिकली एक 5 सीटर SUV हम नहीं बोल सकते हैं, एक 5 सीटर कार है, और अपने प्राइस सेगमेंट में ये अकेली एक जो कॉम्पिटिटर है, तो फीचर्स वाइज ये काफ़ी आपको बढ़िया देखने को मिलती है।